बिहार की बाढ़ में अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से पीड़ित लोग सड़कों पर रात गुजार रहे हैं। सरकारी मदद हर जगह नहीं पहुंच पाई है और जहां मदद पहुंची है वो भी पर्याप्त नहीं है। वहीं बाढ़ से राज्य में 4 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल पानी में समा गई है। एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ से सूबे के किसानों को 22 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। बिहार में बाढ़ के दौरान पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया। बाढ़ में मारे गए लोगों के शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें बाढ़ के पानी में पुलिस के सामने फेंका जा रहा है। बताया जा रहा है कि अररिया में पुलिस की ऐसी ही एक करतूत कैमरे में कैद हुई है। बिहार में अब असली और नकली जेडीयू की लड़ाई छिड़ गई है। शरद खेमा जहां अपने को असली जेडीयू करार दे रहा है, वहीं नीतीश कुमार का खेमा अपने को असली जेडीयू करार दे रहा है। दोनों गुट अपने को असली और दूसरे को नकली जेडीयू कह रहे हैं। शरद यादव का खेमा पोस्टर के जरिए दावा कर रहा है कि महागठबंधन अभी भी जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 19 अगस्त को पटना में होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में एनडीए में शामिल होने के फैसले को औपचारिक सहमति दी जाएगी। साथ ही बागी तेवर दिखा रहे शरद यादव पर पार्टी सख्त एक्शन ले सकती है। बिहार कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब बिहार में 2004 के बाद नौकरी करने वाले सरकारी सेवकों को भी ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने पेंशन नियमावली में संशोधन किया है। सरकार ने कृषि यंत्र की खरीद के लिए 180 करोड़ रुपए जारी किया है। वहीं बिहार विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम की ड्राफ्ट पर मोहर लगा दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी जन आक्रोश और जनादेश का अपमान करने से इतने डरे हुए हैं कि बैठक की जगह तक बदल दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि अब बिहार में कोई नैतिकता की बात न करे। दरअसल पटना के दरियापुर में दिन दहाड़े हुई एक युवक की हत्या की खबर पर लालू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब कोई नहीं कहेगा कि बिहार में जंगल राज है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। बिहार की राजधानी पटना में भी बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। गंगा खतरे के निशान से कुछ ही नीचे बह रही है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में गंगा नदी खतरे के पार भी जा सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस हालात से निपटने को तैयार है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर बालू माफिया को 5 फ्लैट बेचने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी एमएलए अरुण यादव ने मरछिया कॉम्प्लेक्स में राबड़ी देवी के 5 फ्लैट एक ही दिन में खरीद लिए। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि बालू माफिया सुभाष यादव ने भी 13 जून को ही राबड़ी देवी के 3 फ्लैट खरीदे थे। सुशील मोदी ने इस मामले में काला धन सफेद करने का भी आरोप लगाया। नीतीश सरकार ने सृजन घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। राज्य सरकार ने 800 करोड़ रुपए से अधिक के इस मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी है।